मैया की कसम खा कर ये बताओ कि तुमने तैयारी किया या नहीं किया। मालूम तैयारी फुल हो गई है, आपका घोड़ा तैयार है, सिर बाप घोड़े पर विराजमान हुई है और चलिए हर को किसान के आइए हमार को किसान के पास चलते हैं। सुना हो नहीं हर माँ, सुना हो नहीं हर माँ, अरे मेरे बाप को सुना हो नहीं हर माँ। अब हम चलते हैं अपने खेत की तरफ, देखें किसानी हमारी कैसी है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं। हम चलकर अपने खेत में घूम कर देखेंगे। आओ ठाकुर, राम राम को किसान। आज हम तुम्हारे पास कुछ काम के लिए आए हैं। क्या काम है बताइए, छोटा बहुत जरूरी काम है, बोलिए। इसलिए हमें यहाँ तक आना पड़ा है। ओ हटो मेरी बात को सुनो लगा कर, हर खू मेरी बात को आज सुनो लगा कर ध्यान, हर खू मेरी बात को हर सुनो लगा कर ध्यान। अरे ये कर जमीन जो कर दो मेरे, ठाकुर साहब बात को सुनिए कर ध्यान। अरे के ये कर जो जमीन है करुणा तेरे ना, चलो हर संभालो अभी
हमने इनाम कर दो। नहीं ठाकुर, ये हरगिज़ नहीं होगी। हमारे बाप दादा परपाजा सभी उसी एक एकड़ जमीन से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। ये जमीन हम हरगिज़ नहीं दूंगा। अभी मैं सीधे सीधे कहता हूँ कि वो जमीन की कीमत, वो जमीन की कीमत हम तुम्हें मेहमानी रकम देंगे। इसलिए तुम मेरा कहना करो, वो जमीन हमारे नाम कर दो। आप ठीक कहते हैं लंबरदार, लेकिन हम एक एकड़ जमीन दे देंगे तो हमारे ये बाल बच्चे ये वो लोग क्या खाएंगे, किसके सहारे दिएंगे। वही एक एकड़ जमीन है जो उसी को कमा कर हम अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अगर वो जमीन तुम हमें दे दोगे ना, तो वो जमीन में हम बहुत बड़ा कारोबार खुलवा देंगे। अरे उस जमीन में, अरे उस जमीन में हम दारू की फैक्ट्रियां खुलवा देंगे, रंडियों के कोठे खुलवा देंगे और हम बहुत बड़ा कारोबार फैला देंगे। और वहां पे एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट होटल खुलवा देंगे और हम तुम्हें उस जमीन की कीमत जो मांगा देंगे। अभी हम सीधे सीधे कहते हैं, तुम मेरा कहना मान जाओ। समझ लियो, अरे मामला गंभीर नहीं है, दे दो हमारे मालिक को खेती। मैं बार बार कहता हूं कि ये जमीन हम हरगिज़ नहीं देंगे। क्या कहा, जमीन नहीं देगा? नहीं, जमीन नहीं देगा ना तो हम तुझे मार मारे साले सुनाना दिया तो मेरा नाम ठाकुर का नाम करता है जा नहीं। छोटे ठाकुर, जमीन में कैसे आपको दे दो, वो हमारी जो एक एकड़ जमीन है वो हमारे बड़े बेटे राम के नाम है। आना है तो राम के पास जाओ और वो जमीन राम से लिखवा लीजिए। अगर तू पहले बताता इसी बात को, अगर तू पहले बताता ना तो हम तुझे नहीं मारते। और ठीक है, अरे हरगो को कुछ दवा के लिए पैसे दे देना। मालिक जैसा आप कहो वैसा मेरा काम। आओ हम चलते हैं राम के पास। मालिक ये जो टांगों लठ लेके चला था हरको किसान ना, कसम से बताई टांग लठ आज पहली बार देखा है। चलो हम चलते हैं। हरको किसान मैं जा रहा हूँ, अगर पैसों की जरूरत पड़ी तो मुझसे बताना, मैं तुमको दवा करा दूंगी और पैसे मुंह मांगा देकर जाऊंगा। मैं चल रहा हूँ। चाहो हम, हमको पैसे आपकी नहीं चाहिए। अब मैंने एक ठाकुर को अपने बेटे राम के पास भेज दिया, देखो मेरा बेटा राम क्या कहता है और क्या करता है इन ठाकुर के सामने। चलता हूं मैं, घर में आराम करूंगा, बहुत मारा हराम जादो ने। हेलो, हाय
आगे हमारे माननीय श्री सम्मानित शिवम मनोरंजन, शिवम मनोरंजन यूट्यूब चैनल पीढ़ी चौराहा पुरुषोत्तम निवासी, जिसके निमित्त हमारे शिवम भाई, जिस भाई साहब को कैसेट बनवाना है, वीडियो बनवाना है, हमारे बड़े भैया शिवम भाई से संपर्क करें। पीढ़ी चौराहा की ओर से पार्टी हार्दिक स्वागत करते हैं। और कहना क्या मास्टर है, लाइन रहे मास्टर। और चलत मछरिया बकुलिया कलीले हो, बकुलिया कलीले और मछकुर लीले हो, अजगर साथ सुन हो नई हरमा। सुना हो नई हरमा, सुना हो नई हरमा, हर बात तो सुना हो नई हरमा। दारू कम हो गई है और मंगाना पड़ेगा। चलो और ला लें जाए, एक बढ़िया गेहूं बेचे न। गेहूं बेच और कहा, तू गेहूं बेचेगा, हम 25 रुपए में धान बेचेंगे महीने का धान। ठीक 1800 में बहुत हो। ए हा? पीले पीले हो मेरे कुछ मंगाओ, कुरकुरा मंगा दे, कुरकुरा कुरकुरा टेढ़े मेढ़े मंगाओ, कटोरी कटोरी न खा, छल्ला बच्चन वाली या कटोरी टेढ़े मेढ़े, टेढ़े मेढ़े कि तो चिप्स आलू वाले, चिप्स आलू वाले। चलो आगे वो दुकान देख रही है, वही पे चलेंगे, वही पे टेढ़ी मेढ़ी खाएंगे, वही पे थोड़ी बची है पिएंगे। खुश रहो। अरे राम अरे खाले भैया आप ये कौन सी दारू पी रहे हो तुम? क्या करो, पैसे है नहीं, कोई भी पता। अरे कम से कम अपने दोस्त से बोल देता कि मेरे दोस्त काली सिंह मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं तुझे दारू पीने के लिए पैसे दे देता। ये देसी शराब पीकर अपनी शरीर की बर्बादी कर रहा है। नहीं है, दारू पीना शरीर के लिए हानिकारक। हम लोग महुआ वाली पीते झुरा के हाथी हो गए। ओ क्यों नहीं राम, हाँ एक
बात में तुमसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि तुम हमारे बचपन के दोस्त हो। जिस कॉलेज में मैं पढ़ता था उसमें हम भी पढ़े, उसी कॉलेज में तुम भी पढ़ते थे, इसलिए हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरी बात को अब सुनो लगा कर ध्यान, और ये कर कभी मुझको कर दो तेरे राम। मेरे 20 एकड़ जमीन के बीच में चौथ बार 1 एकड़ जमीन है, उस जमीन को मेरे नाम कर दो, हम तुम्हें मालो माल कर देंगे, इतना पैसा दे देंगे कि तुम उसे खर्च नहीं कर पाओगे। भाई मैं भी एक बात कहूं, दोस्त है मेरा, अरे दोस्त दोस्ती में काम ना है, दोस्ती बेकार क्यों नहीं। और यही बात है जमीन वाले पर, अरे अरे काली जबान संभाल कर, हर धरती मैया का मैं अपने धरती मैया का मोल करने के लिए नहीं कह रहे, अरे वो जमीन को देने दे, उस जमीन में हम एक रेस्टोरेंट होटल खुलवा देंगे, अरे रेडियो के कोठे खुलवा देंगे, दारू की भट्टियां लगवा देंगे, क्योंकि तुझे दारू पीने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मेरा कहना मान और उस जमीन को कर दे मेरे नाम। हे राम, दारू जरूर पी जाए लेकिन इतने नशे भी नहीं रहता, तो धरती माँ की बात करता है कि ये धरती जो तेरे 50 एकड़ के बीच में मेरी 1 एकड़ जमीन है, उतने नाम कर दो उसमें तो स्टोरेज खुलाएगा। 50 ग्राम मारू तो शराब को भट्टिया खोलाएगा, बिल्डियों का कोठा खोलाएगा। अरे राम किसी चीज का शौकीन नहीं, सिर्फ दारू की है। अरे हम तुझे दारू ही पिलाएंगे, अरे इतनी दारू पिलाएंगे तू कभी अपनी जिंदगी में पिया नहीं होगा। मेरा कहना मान, सिर्फ वो 1 एकड़ जमीन हमें नाम कर दे। एक
एक बात कहो, क्या हो? दो चार बात कहो। आई जमी तेरे नाम हरगिसी करूंगा, जमीन तेरे नाम में हरगिसी करूंगा। ए राम, मैं तुझे सीधे सीधे कहता हूं कि मेरी बात मान जा और तू अपनी जमीन मेरे नाम कर दे, अभी ले होगा। और नहीं तो शेर ठाकुर काली सिंह ये तेरी दोस्ती को अरे दोस्त, अरे दोस्त में मुझसे और कुछ मांगा होता, मेरा कलेजा मांगा तो अपना कलेजा निकाल के तुझे दे दिया होता। लेकिन तू जमीन की बात, अरे सीख कर जमीन में मेरा परिवार पलता है और मैं भी उसी में चलता हूँ। हे राम, फसल और तेरी देख सूरत चले तने, देख सूरत हर तले तने हमारा, देख सूरत हर तले तने हमारा, अभी बार छोड़ो तो जमीन मेरे नाम का ताज। अंगूठा लगवाओ, जल्दी करो। ठीक है मालिक, अब हम अंगूठा लगवाओ। कहता था ये जमीन हम तेरे नाम नहीं करेंगे। अरे अरे राम, हम वो चीज है कि हम काया को पलट देते हैं। तुम वो चीज है साया को पलट देते थे। साया नहीं, साले तेरी अम्मा का पेटी को कि हम काया पलट देते, इस ससुर कहलाती कहता है साया लंबर दर कौन मार मार। अरे हम ऐसी मार मारेंगे ना तो औरत में गिनती होगी और ना ही साले तेरी हिजड़ों में भर्ती होगी। बहुत बढ़िया आदमी हो। हाँ बढ़िया नहीं साले, हम मंगता आदमी बढ़िया बढ़िया नहीं साले, हम बढ़िया है ऐसी।
इसी मार मारे तो जैसे पहले तुम्हें ठाकुर बावन आए साले हम पासी मालूम पड़ा चलो बाबू इसी वक्त अगर आपके काम हो जाए तो हमको का मुनाफा मिली तुमको हम अपना पार्टनर बना लेंगे पार्टनर 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 आ जाएगी इसीलिए कहते हैं क्या कि जिसके पास चाकू का खजाना हो और जिसके पास अक्ल का खजाना हो और एक तरफ हम दोनों हो एक तरफ ये सारा जमा फिर भी हमरा कोई बाल एक नहीं केड़ा कर सकता है दोस्तों बात राज काली सिंह है दोस्तों इसीलिए कहा गया है बात ही बात में विश्वास बदल सकता है और रात ही रात में इतिहास बदल सकता है अरे चुनीलाल अरे यार तुम मुझे छोड़ के कहाँ चला जाते हैं अबे मैं आज दारू लगता ज्यादा पी गया हूँ मैं सवेरे से बासी भी है तो लीले परे हो आज आज मैं सिर्फ दारू ही दारू पी रहा हूँ चलो फिर चली ठेका पार चली चली हाँ तू तो जानता है कि जब तक मैं इसको पीता नहीं मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते बिल्कुल नहीं हाँ और जब इसको पी लेता हूँ ना तो हमको धरती आसमान में नजर आता है तुम्हें साथ रह रहे हो दारू सिखा दिए मेहरारू चप्पल रोज मार खाई थी अरे नहीं ऐसा मत बोल बताना नहीं कि राम भैया ने हमें दारू सिखा दिया चलो अच्छा चलो भैया ए पंजाब की बोतल में पंजाब की बोतल है यार यहाँ में नहीं है भैया कहाँ है देखो हाँ हाँ वो बीन वाला बना बीन वाला पंजाब की बोतल में कश्मीरी का पानी है पंजाब की बोतल में अब हम भी चल रहे
अपने काले सिंह के पास लागत है सुबह तक हमारा सारा लंबाई पक्का बढ़ा दी। ऐसा ठकुरा मिला हमका कहना क्या मास्टर, अरे हो गई खराब की हो गए खराब कुछ सोचे तो कहा खराब हो गए। भैया अब की हमारे समझ लो दो मेहरारू को हमारे मुँह में पेशाब करके चले गए। हम तीसर लाइन है कहाँ से गंगा पार से जौन कहा तो भैया अरे ना तो हम कपड़ा धो डाई कहो खाना बना दे कहो तो खटिया बिछा दे कमी है ना तो कहना क्या है अरे हो गई खराब की हो गई खराब दुलारन मा दुलही में हो गई खराब दुलारन मा दुलही में